बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा अब वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले यार आज वीडियो में यही बात बताऊंगा कि अगर आप 2 लाख रुपए पाकिस्तानी भेजना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया से, तो अभी आपको कितने रियाल भेजना होंगे। मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में तो कुछ मामला ही और हैं, वो कैसे आपको बताता हूँ मैं। अगर आप सऊदी अरेबिया से इस वक्त भेजेंगे तो 2660 रुपये या 2660 रियाल इसी अराउंड में आपका 2 लाख रुपए पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। अच्छा, इसमें फीस ऐड कर लीजिएगा जो 23 रियाल या 25 रियाल वो फीस काट लेते हैं मुख्तलिफ बैंकों वाले, आपको पता है, तो वो आप तकरीबन अंदाजा कर लें तकरीबन 2700 अराउंड में आप बोल रहे हैं आपका 2 लाख रुपए पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। अच्छा रेट है, बहुत अच्छा रेट है, वो भी वक्त था जब 2000 के 50,000 बनते थे, यानी कि 2700 रियाल के उस टाइम 65-70 हज़ार बनता होगा, तो अभी 2700 रियाल का 70,000 भी बनता हो उस टाइम, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं मैं कर रहा, जो पुराने भाई सऊदी में बैठे वो जानते हैं, अगर 70,000 भी बनता हो उस टाइम 2700 रियाल का, तो अभी 2700 रियाल का 2 लाख रुपये बन रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में महंगाई भी वैसे उसी हिसाब से हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर यही आप पाकिस्तान में रियाल लाकर चेंज करवाएंगे, मिसाल के तौर पर 2700 रियाल है आपके पास, तो डेफिनेटली बात है आपको 10,000 का फायदा होगा। वो कैसे, मेरे कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ लीजिएगा, आज वाली वीडियो के नीचे भी कुछ भाई कमेंट करेंगे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कमेंट करके बताते हैं भाई हमारे शहर में ये रेट है, हमारे शहर में ये रेट है। 80 रुपए से नीचे कहीं भी किसी ने रेट नहीं बताया, और ये जो मैंने आपको 2 लाख रुपए भेजने वाला रेट लाकर यानी कैलकुलेट करके बताया ना, ये 75 यानी 75 रुपए के हिसाब से मैंने बताया। अब इस 2700 को 2700 रियाल आपने भेजना होगा तो मिसाल के तौर पर, तो उसको 5 यानी कि 0.5 कर लें तो कितना बनेगा, तकरीबन 13-14 हज़ार बन जाएगा, मैंने फिर भी 10,000 बताया, ठीक है। अच्छा, बहरहाल जी, अगर डॉलर के मतलब बात करें आपको मैं साथ में दिखा रखा हूँ, डॉलर आज का जो डॉलर का रेट है वो है जी 285 रुपये 42 पैसे, यानी कि कल की निस्बत भाई बेहतरी आई है इसमें। रियाल रेट के मतलब बात करें तो एक्सचेंज रेट आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो कि आज का 76 रुपये 8 पैसे, वही भाई 76 रुपये प्लस में बोल रहे हैं आप, एंड इंडियन रुपये 22 रुपये 3 पैसे, बांग्लादेश टका 28 टके 61 पैसे, ठीक है। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बता देता हूँ मैं, इनमें सबसे पहले आज बात करेंगे तहवील राजी बैंक की, इनका आज का रेट 75 रुपये 28 पैसे, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो आपको 75 रुपये 60 पैसे आज का रेट मिल जाएगा, 23 रियाल, 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। मनीग्राम की बात करें तो आपको 75 रुपये 38 पैसे रेट मिलेगा आज का मनीग्राम का, और इनकी भी 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है जी। टैली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो इनका आज का रेट 75 रुपये 32 पैसे, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। STC पे की अगर हम बात करें, STC पे से यानी कि अगर आप रियाल भेजना चाह रखें तो इनका आज का रेट 75 रुपये 18 पैसे, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। बैंक जजीरा यानी कि फौरी बैंक की अगर हम बात करें तो इनका आज का रेट 75 रुपये 66 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी भाई फीस होती है। अगर इंजाज बैंक की हम बात करें तो इंजाज बैंक आज का रेट 75 रुपये 33 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ, एंड अगर आप क्विक पे से पैसे भेजना चाह रहे हैं, रियाल भेजना चाह रहे हैं, तो क्विक पे का आज का रेट 75 रुपये 52 पैसे, हाई रेट है इनका भी, और इनकी भी 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है। आने वाले वक्त के मुताबिक अगर बात करें हम, आने वाले मिसाल के तौर पर 5-10 दिन 15 दिन बाद की, तो रियाल मजीद बेहतरी आएगी रियाल में, ये मेरा मानना है। बाकी जो पाकिस्तानी भाई सऊदी में पुराने बैठे हुए बाखूबी जानते हैं।